हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डस्ट इन माइंस पार्ट टू के, यानी कि डस्ट इन माइंस जो पार्ट वन है उसका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बना चुका है। जैसे कि आप सबको पता होगा, हम लोगों ने नया गैस टेस्टिंग वीडियो सीरीज शुरू किया है, तो ये गैस टेस्टिंग वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो लिंक में डाल दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अंडरग्राउंड माइंस में कोल डस्ट एक्सप्लोजन किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार देना है। कोल डस्ट जब डेंस बादल के रूप में हो, उचित तापमान के स्रोत में रिक्वायर्ड टाइम तक मेल होने पर इसका विस्फोट हो सकता है। एक्सप्लोजन माइंस में दूर दूर तक फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोल डस्ट एक्सप्लोजन होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए? तो सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि महीन कोल डस्ट हवा में उड़ती हुई हो, कोल डस्ट जो है वो डेंस बादल के रूप में हो, 30 से 40 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर वो होना चाहिए। अगर एक बार एक्सप्लोजन हो जाए तो माइंस में 1 ग्राम प्रति मीटर क्यूब डस्ट होने से भी कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है, जो कि आराम से नॉर्मली इतना मिल जाता है। उचित तापमान के स्रोत में रिक्वायर्ड टाइम तक संपर्क में रहे, एयर में ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा मौजूद होनी चाहिए, तब जाके कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो जाएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोल डस्ट की इनफ्लेमेबिलिटी यानी ज्वलनशीलता किन बातों पर निर्भर करती है? तो कोल का वोलेटाइल मैटर जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ज्वलनशीलता को उतना ज़्यादा बढ़ाएगा। डस्ट साइज जितना ज़्यादा महीन होगा, उतना ज़्यादा वो इनफ्लेमेबल होगा, उतना जल्दी वो जलेगा और कोल डस्ट एक्सप्लोजन में उतना सहयोग करेगा। नॉन वोलेटाइल मैटर जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा ज्वलनशीलता इसका घटेगा। पानी की मात्रा ज्वलनशीलता को घटाता है। फायर डैम की मात्रा वायलेंट कर देता है कोल डस्ट एक्सप्लोजन को, यानी कि 1% जो गर्म गैस होगा वो 12 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर कोल डस्ट के बराबर है। कोल डस्ट जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन ऑब्जर्व करके रखेगा और उतना ही ज़्यादा खतरनाक होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोल डस्ट एक्सप्लोजन रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो माइंस में कोल डस्ट बनने से रोकना है। सबसे पहले डस्ट जहाँ बनता है वहाँ गीला करके रखना है या उसे दबा देना है गीला करके। डस्ट एक्सट्रैक्टर से डस्ट को खींचकर बाहर निकाल लेना है। उसके साथ ही डस्ट को पूरी तरह से पानी से भिंगा कर रखना है, जिसमें कम से कम 30% पानी हो। रेगुलरली स्टोन डस्टिंग करके डस्ट को इनएक्टिव कर देना है ताकि किसी से रिएक्ट ना कर पाए। उसके साथ ही गैस एक्सप्लोजन को रोकने के सारे उपाय किए जाने चाहिए। ऐसा उपाय करना है कि ब्लोन आउट शॉट ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है पॉइंट रिगार्डिंग डस्ट सैम्पलिंग। हम लोगों को कुछ पॉइंट जानना है डस्ट सैम्पलिंग के रिगार्डिंग। उसमें यह है कि 30 दिन के अंदर में फेस और डिस्ट्रिक्ट का डस्ट सैम्पलिंग सर्वे होता है और हर 3 महीना में बाकी के जगहों का होता है। उसके साथ ही सैम्पलिंग प्लान जो बनाया जाता है वो 1:2000 रेशियो में होता है। सैम्पलिंग की जो गहराई होती है, यानी कि जितना सैंपल उठाया जाता है, वो रूफ पिलर से अधिक 5 mm और फ्लोर से अधिक 10 mm का सैंपल लिया जाता है। उसके साथ ही स्टोन डस्ट किए गए जगह में स्ट्रिप सैम्पलिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। जहाँ पे वाटर स्प्रे किया गया है वहाँ पे स्पॉट सैम्पलिंग मेथड का उपयोग करते हैं। प्रत्येक सैम्पलिंग को कोनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड से काट काट के 30 ग्राम तक का सैंपल लिया जाता है। तो अब हमारे इस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब को कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टिल देन, जय।